नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दस्तक 24। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा मुद्दा जिसको जानकर कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी। सुनने में आया है कि व्हाट्सएप भारत छोड़ सकता है। क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। व्हाट्सएप क्या है ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसके द्वारा हम किसी को भी किसी भी समय दुनिया के किसी भी कोने में मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप और देशों के मुकाबले भारत में कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। इसकी एक वजह देश की जनसंख्या भी हो सकती है। व्हाट्सएप से जुड़ी कोई भी खबर इस देश के लोगों को प्रभावित करती है। अब एक खबर आ रही है कि सरकार अगर लगातार व्हाट्सएप ऐप पर बदलाव के लिए फोर्स करेगी तो कंपनी भारत छोड़ सकती है। दरअसल फेक न्यूज़ और अफवाहें व्हाट्सएप के जरिए भारी मात्रा में वायरल हो रही हैं, जिसके कारण एक मॉब लिंचिंग नामक समस्या उत्पन्न हो रही है। अब मॉब लिंचिंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। मॉब लिंचिंग का अर्थ है भीड़ हत्या, मतलब जब कोई भीड़ किसी को बस शक के आधार पर उसको मृत्युदंड की सज़ा दे दे, इसको हम कहेंगे मॉब लिंचिंग। तो ये अफवाहों की वजह से व्हाट्सएप पर बहुत अधिक बढ़ रहा था। इसको रोकने के लिए सरकार व्हाट्सएप पर दबाव डाल रही है कि कंपनियां ये पता लगाएं कि फेक न्यूज़ और अफवाहें कहाँ से फैलाई जा रही हैं। लेकिन व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी की वजह से ऐसा नहीं कर सकता। व्हाट्सएप ने पहले ही ऐसा करने से मना कर दिया है। दरअसल व्हाट्सएप के हेड कार्ल यूंग ने IANS को दिए एक स्टेटमेंट में कहा है, हालांकि उन्होंने अपने इस बयान में नहीं कहा कि व्हाट्सएप भारत में बंद हो जाएगा। उनका यह बयान सुझाए गए बदलाव मजबूती प्रोटेक्शन की वजह से संभव नहीं है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से ऐसा संभव नहीं है, यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आगे क्या आने वाला है। कार्ल वुंग ने IANS से कहा, प्रोपोज किए गए एक रेगुलेशन में एक चीज मैसेज ट्रेस करने की बात भी है जो हमारे लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप डिफॉल्ट तौर पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब ये कि सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई तीसरा इन मैसेजों को न ट्रेस कर सकता है और ना ही पढ़ सकता है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप के लिए भी संभव नहीं है कि यूजर्स के मैसेज पढ़ सके। कार्ल वुंग ने कहा कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर्स के बिना व्हाट्सएप पूरी तरह से एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस रेगुलेशन के तहत व्हाट्सएप को री आर्किटेक्ट करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो व्हाट्सएप जैसा अभी है वैसा नहीं रहेगा। कुल मिलाकर कार्ल वुंग का यह भी कहना है कि व्हाट्सएप के लिए सेंडर को ट्रेस करना असंभव है और वो ऐसा करना भी नहीं चाहता। ऐसा करने से व्हाट्सएप के साथ आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकती है। इन्होंने हालांकि कुछ नया नहीं कहा, मैसेज का ओरिजिन ट्रेस करने के बारे में व्हाट्सएप ने पहले भी इसी तरह की बातें कही थी। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के फायदे यूजर्स को हैं, लेकिन इससे कुछ नुकसान लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को होता है, क्योंकि इसकी वजह से गलत जानकारी, फेक न्यूज और अफवाह फैलाने वाले पकड़ में नहीं आ सकते हैं। IT मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया कंपनी के लिए गाइडलाइन प्रपोज की है जिसमें इस तरह के मैसेज रोकने की कवायद है। कुल मिलाकर बात यह है कि व्हाट्सएप भारत से नहीं जाने वाला, क्योंकि कंपनी ने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। हमेशा से कंपनी का कहना है कि फेक न्यूज और अफवाहों को रोकने के लिए कंपनी कदम उठा रही है और इसके लिए अब मशीन लर्निंग सिस्टम भी तैयार कर लिया गया है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। नमस्कार।